एक केक बनाते हैं, वेजिटेबल केक। जी हाँ, गुजराती खांडो। कैसे बनाना है? बड़ी स्पेशल रेसिपी है, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। भाई इसमें जो सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो चाहिए हमें चावल और कुछ दालें। ये चावल और इन सब चीज़ों को पीस कर, ये देखिए ये मैंने पीस कर रखा हुआ है। तो ये दाल चावल पिसा हुआ, उसके साथ साथ इसमें है दही और ये फर्मेंट हुआ हुआ है। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल। इसके अंदर हम डालते हैं इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर भी, हल्दी पाउडर, थोड़ा तो प्याज डाल लेते हैं। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज ना डालें। इसमें डालें लौकी, ये लौकी इसके अंदर, और उसके साथ साथ कैबेज, ये लीजिए। सब चीज़ों को मिक्स करना है। और अब क्या करना है, अब जरा इसको थोड़ा और स्वाद देते हैं इसमें। और उसके लिए क्या क्या इसमें डालना है मैं आपको बताता हूँ। ये जरा तेल, पहले हींग, उसके साथ साथ मस्टर्ड सीड्स, और अब ये करी पत्ते और लाल मिर्च, और इसके साथ साथ ये भी डाल देते हैं इसमें सेसमी सीड्स। ये सब चीज़ें डालकर ये लीजिए, बस इसे डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये सब चीज़ें डल गई, लेकिन इसमें नमक जो है वो कहीं कम तो नहीं है? थोड़ा नमक डल सकता है। तो नमक के अंदर अब इसे डाल देते हैं हम इसके अंदर। ये मेरे पास बहुत ही बढ़िया बेकिंग का मोल्ड है, सिलिकॉन का। अवन हमारा गर्म है तो ये लीजिए, इसको रख देते हैं इसके अंदर। इसको हम रख देते हैं बेक करने के लिए। इसे तब तक बेक करें जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए, यानी अंदर से कच्चा ना रहे। हाँ, एक बात और, यदि आप चाहें तो ट्रे में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि इसके अंदर मॉइस्चर जो है वो काफ़ी रहे, नहीं तो इसको ऐसे ही बेक कर सकते हैं। ये जो खांडवा है इसको पकने में करीब 20 से 30 मिनट लगेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप चेक करते रहें थोड़ी देर बाद कि ये पक गया है या नहीं। और उसके बाद पकने के बाद में बढ़िया टेस्ट आता है, थोड़ा सा खट्टा दही की वजह से। और उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं, चावल है, कॉम्प्लेक्सिटी है टेस्ट के अंदर, वेजिटेबल्स हैं, ऐसा केक पहले नहीं खाया होगा। नहीं नहीं, हांडवा जो बनाते हैं वो तो खाते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया इस तरह से बना के देखें, दिखने में भी अच्छा, खाने में भी अच्छा, और कन्वीनियंट तो है ही, क्योंकि रेसिपी मैंने आपको दे दी है ना। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। हांडवों के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, आधा कप धुली हुई मूंग दाल, आधा कप चना दाल, आधा कप धुली हुई उड़द दाल, 1 कप दही, 4 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच पत्ता गोभी कटी हुई, 1 प्याज स्लाइस की हुई, 2 बड़े चम्मच घी ग्रेट किया हुआ, 1 छोटा चम्मच राई, चुटकी भर हींग, 6 करी पत्ते कटे हुए, 1 छोटा चम्मच तेल और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इसे बनाने के लिए चावल, धुली हुई मूंग की दाल, चना दाल और धुली उड़द दाल को पीस लें। अब इस मिक्सर को एक बोल में लेकर इसमें 1 कप दही, 2 बड़े चम्मच तेल और थोड़ा गुनगुना पानी डालकर इसका गाढ़ा बैटर तैयार कर लें और इसे ढककर फर्मेंट होने के लिए रात भर रख दें। फिर इसमें अदरक हरी मिर्च की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, प्याज, घिया और पत्ता गोभी डालकर मिक्स करें। एक पैन में बचा हुआ तेल गर्म करके इसमें हींग और राई डालकर भूनें। इसमें करी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और तिल डालकर मिलाएं। अब इस तड़के को तैयार बैटर में डालकर मिक्स कर लें और इस तैयार बैटर को किसी मोल्ड में डालें। और उसके बाद एक बेकिंग ट्रे के अंदर थोड़ा पानी डालकर इस हांडवे के मोल्ड को रखें और इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 25 से 30 मिनट तक पकाएं और उसके बाद सर्व करें।